यूपी का इन लोगों ने जो हाल बना दिया था वो इन नकली समाजवादियों के कर्मों का, उनके परिवारवाद के कर्मों का कच्चा चिट्ठा है। पिछली सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि हाईवे पर गाड़ी रोककर गाड़ियों से लूटपाट की जाती थी, बीच हाईवे पर ही महिलाओं बेटियों के साथ क्या होता था बुलंदशहर के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। तब उत्तर प्रदेश में घरों दुकानों पर अवैध कब्जे होना आम बात थी, लोग अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होते थे। आगरा के दंगों में आरोपियों के सिर पर किसका हाथ था ये आप भली भांति जानते हैं। साथियों, पहले की सरकारें भय फैलाने में जुटी थी, भय निर्माण करना यही उनका काम था, जबकि हम भविष्य का निर्माण